है आपका मेरे YouTube चैनल MK डिजाइनर में। आज मैं आपको धोती सलवार में बुकरम डालकर सिलना बताऊंगी। इसके लिए क्या है, मेरे सलवार का नाप है, कुल लंबाई है 39 इंच, कमर है 40 इंच और आसन की लंबाई है 15 इंच और मोरी है 13 इंच। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैं डबल फोल्ड करके बिछा दूंगी। कोण की तरह बिछा लिया है और अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। इसमें मेरी लंबाई थी 39 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच मैंने बेल्ट के लिए अलग से रख दिया है और हमारी लंबाई 39 इंच थी, तो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर मैं 41 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से पोचे की लंबाई लेंगे हम, तो यहाँ से हम 9.5 पर निशान लगा देंगे और हमारे सलवार की मोरी थी 13 इंच, तो 6.5 इंच आता गया, तो और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया दबाव के लिए। हम इन निशानों को इस तरह मिला देंगे और यहाँ से हम बुकरम लगाएंगे। बुकरम के लिए हम अलग से पट्टी निकाल लेंगे और यहाँ मैंने 8 इंच बेल्ट के लिए अलग रख दिया है और आसन की लंबाई थी 15 इंच, तो यहाँ पर मैं 15 इंच में निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ 2 इंच आसन के लिए और यहाँ आसन की गोलाई दे देंगे हम। इस तरह से सलवार की नाप हो गई, कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। हमारे सलवार की कटिंग हो गई है, अब हम सिलाई करते हैं। बेल्ट के लिए हमने 8 इंच माइनस किया था, तो हम बेल्ट के लिए यहाँ से 8 इंच ले लेते हैं और कमर की लंबाई चौड़ाई थी हमारी 40 इंच, तो यहाँ पर हम 21 इंच ले लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हमारी ये बेल्ट हो गया। अब हम सिलाई करते हैं। मैंने यहाँ मोरी के लिए 3 इंच चौड़ी बुकरम ले लिया है और इसकी लंबाई ली है मैंने 14.5 इंच, हमारी मोरी थी 13 इंच, तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया और इस तरह हमने बुकरम काट के रख लिया और बुकरम के नीचे हम ये पट्टी लगा देंगे इस तरह से सिलाई करके। मैंने यहाँ बेल्ट के सेंटर में यहाँ कट कर दिया है जिससे कि प्लेट्स बनने में आसानी हो। अब हम आसन की तरफ से प्लेट्स भरेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेल्ट को नीचे की साइड में रख दिया है और यहाँ से हम प्लेट्स भरेंगे। प्लेटों का मुंह हम मशीन की तरफ करेंगे। और प्लेटों की चौड़ाई 1-1 इंच रखते जाएंगे। और ये यहाँ से कट है, यहाँ से हम प्लेटों से का मुँह है अपनी तरफ कर लेंगे। इस तरह से प्लेटों का मुँह है हम अपनी तरफ करते जाएंगे।
मैंने एक हिस्से की प्लेटें भर ली है। इन प्लेटों में देखो कितनी अच्छी तरह से गोलाई आई है। इसी तरह हम दूसरे हिस्से की भी प्लेटें भरेंगे। इसमें भी हम आसन की तरफ से ही प्लेटें भरना स्टार्ट करेंगे और सेम उसी तरह से प्लेटें भरेंगे हम। मैंने दोनों हिस्सों की प्लेटें भर ली है और यहाँ से हम बेल्ट की साइड से एक पैर का गैप देते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे हम। और यहाँ से दोनों हिस्सों को हम मिलाकर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम डबल सिलाई लगा देंगे। यहाँ से नेफे के लिए हम यहाँ से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे। नेफे के लिए हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम नेफा तैयार करेंगे। एकदम सीधी सिलाई ले लेंगे। से हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम बुकरम पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ से हम फोल्ड करके अब हम बुकरम को यहाँ से अटैच करेंगे और इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब बुकरम को नीचे की साइड में कर लेंगे और यहाँ से एकदम किन्नौर पर सिलाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड में लेके और यहाँ सिलाई लगा देंगे। से हम एक पैर का गैप देते हुए एक सीधी सिलाई और कर लेंगे। एक सिलाई हम नीचे की तरफ और लगा देंगे। और यहाँ बीच में हम इस तरह से मशीन चलाते हुए कोई डिजाइन दे देंगे। और यहाँ से हम इस तरह सिलाई करते जाएंगे।
इस तरह हमारी बुकरम लगकर तैयार हो गई है। हम यहाँ पर कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ की बुकरम लगाकर तैयार कर ली है। अब हम मोरी का नाप लेंगे। मोरी थी हमारी 13 इंच, तो हम 13 का आधा 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। यहाँ हम डबल सिलाई कर लेंगे। हमारी सलवार सिलकर रेडी हो गई है।